Hello everyone, praise the Lord. Very good morning. I'm happy that God has brought us together to meditate His word today. हाय हेलो नमस्ते नमस्कार आत्मिक नाश्ता में आप सभी को स्वागत है। आज भी हम सेंट पॉल ने लिखे रोमे के पुस्तक 4 अध्याय उसमें भारा वचन को ध्यान करने वाले हैं और यह वचन ऐसा लिखा है कि अब्राहम उन कतने वालों की भी पिता बने जो न केवल कतने पर निर्भर रहते हैं बल्कि हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास के पथ पर चलते हैं जो उन्हें कतने से पहले प्राप्त था। यह पॉल कह रहे हैं कि अब्राहम सिर्फ कतने करने वाले का पिता नहीं माना जाता ताकि प्रभु पर विश्वास रखने वाले सभी का पिता माना जाता है। यहूदी लोगों को इस बात का गमन है कि वे कतने किए हैं और अब्राहम सिर्फ उनके पिता है, कोई और उनका पुत्र नहीं है। अब्राहम प्रभु पर विश्वास रखे और उनसे आशीर्वाद पाए, इसलिए वह विश्वासियों का पिता माना जाता है। और आज हम सब जो कतने किए बिना प्रभु पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सब के लिए भी अब्राहम पिता है। हम जो भी हो हमारा क्रिया से ही, ताकि प्रभु पर रखे विश्वास से उनकी दया के कारण हम धर्मी बने हैं। यीशु के बाद हर विश्वासी का पिता अब्राहम है, सिर्फ यहूदी के लिए नहीं। इसलिए दोस्तों मैं आपको यह कहना चाह रहा है कि हम प्रभु पर विश्वास रखना चाह रहे हैं। जैसे अब्राहम विश्वास की पिता माना जाता है, वो हमारे लिए भी पिता है। इसलिए धर्मी बनने के लिए हम प्रभु पर विश्वास रखना है और उनकी दया पाना जरूरी है। आज इस वचन सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें।